इतिहास में हमने आज़ादी हासिल की 1947 में, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि हमने 1945 में आज़ादी हासिल की, तो इस पे आपको शर्म आनी। हमारे ही महापुरुषों की बेइज्जती करी हुई है, उनका नाम ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। ताराबाई शिंदे का पैदा हुई से लेकर ज्योतिबा फुले को ज्योति राय फुले लिखा हुआ है। अंग्रेजी के मटेरियल में अंग्रेजी की दिक्कतें होती हैं, उनको ये नहीं पता है कि कॉमा कहाँ पे मारना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है। स्वघोषित तौर पर ये तीसरे पन्ने पर लिख दिया जाता है कि ये मटेरियल पीयर रिव्यू नहीं करा गया, अगले साल से करेंगे। तो अगले साल ही दे देते हैं मटेरियल छात्रों को जल्दीबाजी में, अफरा तफरी में। आप घटिया मटेरियल क्यों पढ़ा रहे हैं छात्रों को? एसएल का मटेरियल पढ़ ले तो वो ये बात समझ जाएगा कि एसएल का मटेरियल पढ़ने योग्य नहीं है। एमए का एंट्रेंस देने चला जाए तो बीए में वो पढ़ा है वो पढ़ के देगा एमए का एंट्रेंस, और बीए में जब वो पढ़ेगा ये गलत तो एमए का एंट्रेंस कैसे निकाल लेगा। और ऐसे कई छात्र हैं जिनको बेवकूफ़ बना रहा है जो एसएल का मटेरियल ऐसा है जिसको छात्रों को फेल कर देना चाहिए। एसएल में क्या पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लासेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही है, इसकी कोई सुध भी नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पे आने वाला छात्र वैसे ही पिछड़े समुदाय से आता है। भी स्टडी मटेरियल का पैसा तो लिया गया पर उनको स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया, यानी कि जो स्टडी मटेरियल छपना था उसका पैसा कहाँ है? वो किसी के पास तो होगा, वो प्रशासन के पास होगा, या प्रशासन के जो लगवा भगवा हैं, जो जो करप्शन में लिप्त हैं, उन लोगों के पास होगा। छात्रों ने लगाया कि एसओएल में घोटाला है, मुझे लगता है पूरा एसओएल घोटाला है, क्योंकि तो ये सब जो धंधा चल रहा है इसको बंद होना चाहिए। और नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं ड्यू के कॉलेज पर, जहां पर जो है एसओएल के तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके सिलेबस में जो है गलत तथ्य दिए जा रहे हैं, गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत जो है 1947 में नहीं 45 में आज़ाद हुआ था। क्या कहेंगे, कल ही तो प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाया है। देखिए, हमें कोई शंका नहीं है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें एसओएल पर शंका है कि कोई बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, कि कोई ऐसा तथ्य जो विश्वव्यापक तथ्य है, सबको पता है कि ये तब हुआ था, उसमें गलतियां हैं। उसमें लिखा गया है कि 1994 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पास हुआ है, तो क्या 1947 से लेकर 1994 तक हमारा देश बिना किसी फ्रेमवर्क के लीगल चल रहा था? एसओएल ऐसी ऐसी गलतियां करा है जो ना केवल हास्यास्पद है पर चिंताजनक भी है कि छात्र क्या पढ़ रहा है। और एसओएल बार बार छात्रों को फेल करता आया है, एसओएल बार बार कहता आया कि छात्र नहीं पढ़ना चाहता, ये खुद अपना मटेरियल नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई एसओएल का मटेरियल पढ़ ले तो वो ये बात समझ जाएगा कि एसओएल का मटेरियल पढ़ने योग्य नहीं है, उसमें भतेरी दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें इस तरह की हैं जिससे आगे चलकर भी छात्र कहीं जाएगा, आगे कोई एमए का एंट्रेंस देने चला जाए तो बीए में वो पढ़ा है वो पढ़ के देगा एमए का एंट्रेंस, और बीए में जब वो पढ़ेगा ये गलत तो एमए का एंट्रेंस कैसे निकाल लेगा। और ऐसे कई छात्र हैं जिनको बेवकूफ़ बना रहा है, जो गरीब परिवारों से, दलित आदिवासी समुदाय से आने वाले परिवारों से आते आए हैं एसओएल में। सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला छात्र आता है एसओएल में, और उसके बावजूद एसओएल का मटेरियल ऐसा है जिसको छात्रों को फेल कर देना चाहिए। एसओएल छात्रों को फेल करता आया है, हम कह रहे हैं छात्र एसओएल के मटेरियल को फेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी धांधली है कि किसी को पैसा देके ये मटेरियल लिखवाया गया है। मतलब जब कोई मटेरियल लिखने का टेंडर जाया गया होगा तो जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको पैसा मिलता है, वो मुफ्त में नहीं लिखते मटेरियल, तो जो उनको पैसा मिला है वो किस चीज़ का मिला है? इतना निम्न स्तरीय मटेरियल लिखने का, इन लोगों ने मॉन्टेग्यू चेंसोर्ड रिफॉर्म को माउंटेन ड्यू लिखा हुआ है, ताराबाई शिंदे कब पैदा हुई थी ये नहीं पता है, विवेकानंद को अनप्रिंसिपल कह रखा है, और बहुत सारा मटेरियल विकिपीडिया, दृष्टि आईएएस, ना जाने कैसे कैसे सोर्सेस से कॉपीड है, या ठीक से जहाँ पे ढंग से उठाया भी गया है तुरंत से उठाया नहीं गया है, पैराफ्रेज भी ढंग से नहीं कर पाए हैं ये लोग। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो नई शिक्षा नीति के तहत मटीरियल आया है उसकी, जो अभी एक साल पुराना है, अभी इसका चौथे, दूसरे और तीसरे साल का मटेरियल आया नहीं है। वो आया होता तो ना जाने हमें और कितनी गलतियां पता चल जाती, पर ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने हमारे ही महापुरुषों की बेइज्जती करी हुई है, उनका नाम ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। ताराबाई शिंदे का पैदा हुई से लेकर ज्योतिबा फुले को ज्योति राय फुले लिखा हुआ है। भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है बच्चों के?
देखिए भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि SOL को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, DU को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको अपने 70,000 लगभग आने वाले रेगुलर के छात्रों से फर्क पड़ता है, उन्हीं की चिंताओं पर बात होती है। SOL में क्या पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लासेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही है, इसकी कोई सुध भी नहीं लेता है क्योंकि वहाँ पे आने वाला छात्र वैसे ही पिछड़े समुदाय से आता है, वैसे ही गरीब घरों से आता है और उस छात्र को उच्च शिक्षा मिल रही है उसके लिए भी वो एक उपलब्धि हो जाती है। यही कारण है कि डिस्टेंस लर्निंग में आज की तारीख में 200 से 250% तक एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है क्योंकि छात्र पढ़ना चाहता है उच्च शिक्षा में पर उसको जगह मिलती है तो रेगुलर कॉलेजेस में नहीं डिस्टेंस मोड में, और डिस्टेंस मोड में भी मिलती है तो SOL जैसे मटेरियल मिलता है उसको जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कॉपीड होता है मटेरियल, अंग्रेज़ी के मटेरियल में अंग्रेज़ी की दिक्कतें होती हैं, उनको ये नहीं पता है कि कॉमा कहाँ पे मारना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, और ये मटेरियल दे दिया जाता है और खुद ही स्वघोषित तौर पे ये तीसरे पन्ने पे लिख दिया जाता है कि ये मटेरियल पीयर रिव्यू नहीं करा गया, अगले साल से करेंगे। तो अगले साल ही दे देते हैं मटेरियल छात्रों को जल्दीबाजी में, अफरा तफरी में। आप घटिया मटेरियल क्यों पढ़ा रहे हैं छात्रों को, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो आप कर ही रहे हैं, आप भारत के इतिहास के साथ मजाक कर रहे हैं, आप अलग अलग हमारे महापुरुषों के साथ मजाक कर रहे हैं। विवेकानंद की 4 किताबों का जिक्र होता है SOL के मटेरियल में, 4 का नाम गलत दे रखा होता है, कास्ट की स्पेलिंग में ई नहीं होता उनकी किताब में, मासेस की स्पेलिंग गलत होती है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे छात्र को सीख पाएंगे, किस तरीके से जो छात्रों के और देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। भावनाएं आप देख पा रहे होंगे, भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है लगातार युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, तो वो खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? देखिए उन्होंने वो जुमले में माहिर हैं, इस बार भी उन्होंने जुमला दिया कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, पर इस तरह का स्टडी मटेरियल जब स्टूडेंट्स को मिलेगा, घटिया स्टडी मटेरियल जिसमें ना तो रिफॉर्म हुआ है और उससे ना तो छात्र परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा कि वो अपना बेहतर भविष्य बना पाएँ। तो सिर्फ जुमले हैं, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। नई शिक्षा नीति की बात तो कर रहे हैं कि ऐसी हमें नई शिक्षा नीति चाहिए कि जहाँ जो तथ्य है, जो इतने लंबे संघर्षों के बाद इतिहास में हमने आज़ादी हासिल की 1947 में, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि हमने 1945 में आज़ादी हासिल की, तो इस पे आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो तमाम नेता हैं, चाहे VC हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, उनसे अपील करूँगा कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए। ये केवल 5 लाख छात्रों के भविष्य का मामला नहीं है, ये पूरे भारत के साथ या भारत के इतिहास के साथ पूरा मजाक हो रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के पास जो भी जो डिग्री है वो SOL की है, SOL के पढ़े हुए हैं, क्या इसके बावजूद इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी होना किस तरह से देखते हैं? देखिए ये आप सत्यापित कर रहे हैं कि उनके पास डिग्री है, SOL ये आज तक सत्यापित नहीं कर पाया कि उनके पास डिग्री है, क्योंकि SOL से जब RTI में ये मांगा गया कि आप प्रधानमंत्री जी का हमें डिग्री दी प्रोवाइड कीजिए, तो उन्होंने कहा 1978 का कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो है कि नहीं, और ये हो सकता है कहा जाता है कि SOL के पढ़े हैं, ऐसा कहा जाता है, तो कहा जा रहा है तो वो अच्छी बात है। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी 2004 में पास आउट थी SOL से, पर 2014 में उनकी डिग्री जो है वो घटकर BA फर्स्ट ईयर तक रह गई। तो मुझे लगता है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी भी शर्माते हों इस बात को बताने में कि वो पास नहीं हो पाए थे, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ पठन पाठन का माध्यम है, जिस तरह का यहाँ स्टडी मटेरियल है, मुझे कोई डाउट नहीं होता कि वो यहाँ पे हो सकता है फेल हो गए हो, इसीलिए डिग्री छिपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। क्या जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जाती है? जानबूझ के नहीं है, ये धांधली है, सीधी सी बात कहा जाए करप्शन है। हम लोग यहाँ पे जो स्लोगन भी छात्रों ने लगाया कि SOL में घोटाला है, मुझे लगता है पूरा SOL घोटाला है, क्योंकि 5 लाख छात्र यहाँ पढ़ते हैं और 5 लाख छात्रों का अगर एवरेज 5,000 भी फीस माना जाए तो वो करोड़ों में बैठता है, और ये करोड़ों रुपया छात्रों के स्टडी मटेरियल प्रिंटिंग में नहीं लगता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि आधे से ज़्यादा छात्रों को स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। अभी कुछ छात्र थे जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया पर स्टडी मटेरियल नहीं मिला, यानी कि उनसे भी स्टडी मटेरियल का पैसा तो लिया गया पर उनको स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया, यानी कि जो स्टडी मटेरियल छपना था उसका पैसा कहाँ है? वो किसी के पास तो होगा, वो प्रशासन के पास होगा, या प्रशासन के जो लगवा भगवा हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, उन लोगों के पास होगा। यानी ये पूरा एक करप्शन है, अड्डा बना हुआ है करप्शन का, अरबों का यहाँ पे संपत्ति है, और क्योंकि यहाँ पे
एसयूएल के स्टूडेंट्स के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरी जाएंगे तो 5 लाख छात्रों के लिए हो सकता है 50,000 किताबें भी ना हो। यहाँ पे स्टडी मटेरियल छात्रों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 20 क्लासेस देने का प्रावधान है छात्रों को, लेकिन 10 से 12 क्लासेज मिलती है, सभी छात्रों को क्लासेज नहीं मिलती। ये कहते हैं कि मैसेज हम करेंगे तो क्लासेज आपको देंगे, यानी कि 5 लाख छात्रों में से ये गिनती के हो सकता है 1 लाख छात्रों को भी मैसेज नहीं करते हों। तो ये सब जो धंधा चल रहा है इसको बंद होना चाहिए, और धंधे के कारण ही यानी कि इस घोटाले के कारण ही किसी के जेब में पैसा जा रहा है करप्शन का। क्योंकि जब मैंने जो हम कह रहे हैं कि एसओएल स्टडी मटेरियल लिखवाने के लिए पैसा दिया जाता है, और अच्छा स्टडी मटेरियल तभी कोई लिखेगा जब उसको पैसा दिया जाएगा। तो या तो आपने उन्होंने उन लोगों को स्टडी मटेरियल का पैसा नहीं दिया, एक बात ये हो सकती है। दूसरा ये बात हो सकता है कि आपने अपने ही गेस्ट टीचर्स हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एमए करने वाले हैं, उन छात्रों से किताबों पर नाम नहीं होता क्या? किताबों पर जो भी सिलेबस होती है किताबें होती है, उन सब के होता है, राइटर कौन है? ये अभी इन्होंने सुधार किया है, ठीक है। मैंने कुछ रिव्यू किए स्टडी मटेरियल जिसमें हिंदी कम मौखिक परंपराएं का एक पेपर था जिसको मैं पढ़ रहा था, उसमें एक गेस्ट फैकल्टी है। गेस्ट फैकल्टी वो होता है जो नेट क्वालिफाइड है और एमफिल या पीएचडी कर रहा है, यानी वो अभी प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, परमानेंट टीचर नहीं है। अगर वो घटिया स्टडी मटेरियल प्रिंट कर देगा तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह का असाइनमेंट जिस तरह से कंपाइल कर दिए हो कि एक का ने लिखा, एक ए ने लिखा असाइनमेंट, एक बी ने लिखा, एक सी ने लिखा, और तीनों को कंपाइल कर दिया, वहाँ पे उनको कोई पीयर रिव्यू नहीं हुआ कि वो कैसा है, रेफरेंसिंग कैसी होगी, किसी में रेफरेंसिंग है, किसी में रेफरेंसिंग नहीं है, किसी में किताबों का नाम है, किसी में नहीं है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और ये जो नाम लिखने का आप जो बात कह रहे हैं, ये भी कोई एसएल पहले से लिखता आ रहा है ऐसा नहीं है। ये भी जब इनको 2019 में हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपने स्टडी मटेरियल में सुधार कीजिए, उसके बाद इन्होंने कमिटी बना के इसको चेंज किया, पर चेंज किया लेकिन सुधार नहीं किया, वो दिखाने के लिए है सिर्फ। साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से जो है एसओएल में धांधली की बात कही जा रही है, इनकी किताबों में जो भी इनकी इनको पढ़ाया जाता है सिलेबस में कई सारी गड़बड़ियां हैं। बताया जाता है कि विवेकानंद जो है वो अनैतिक इंसान थे, देश जो है 1945 में आज़ाद हुआ, जबकि प्रधानमंत्री ने कल ही 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। तो आपको सोचना है कि किस तरीके से ये देश के जो भविष्य कहे जाते हैं, जो छात्र होते हैं उनको भविष्य कहा जाता है, उनके साथ उनके भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।